सभी सेफ और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग करेंगे क्राफ्ट, और क्राफ्ट में हम लोग सीखेंगे न्यूज़पेपर से बैग बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर बैग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा न्यूज़पेपर, रिबन, कार्डबोर्ड, पंचिंग मशीन एंड फेविकोल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप लोग, मैंने जो है दो न्यूज़पेपर को पेस्ट कर लिया है फेविकोल से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का न्यूज़पेपर आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें न्यूज़पेपर को सीधा करना है और इस कॉर्नर को हल्का सा फोल्ड करना है। कुछ इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो उस न्यूज़पेपर का सेकंड कॉर्नर है उसको हमें इस तरह से इस फोल्ड के पास लेकर आना है। कुछ इस तरह से हमें पास लेकर आना है और हमें क्या करना है, इसको फेविकोल से इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो हमने न्यूज़पेपर को जो है हाफ फोल्ड किया तो उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप मिलेगी हम लोगों को जिसमें। अब हमें क्या करना है, जो एक देखिए बोथ साइड से ऐसे ओपन है, अब हमें एक साइड से क्या करना है, हल्का सा न्यूज़पेपर को हल्का हल्का चारों कॉर्नर से फोल्ड करना है। तो देखिए हमने जो एक साइड से हमें फोल्ड करना था, हमने देखो उसको फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें न्यूज़पेपर का दूसरा कॉर्नर लेना है और उसको थोड़ा हमें ज्यादा फोल्ड करना है, हाफ से थोड़ा कम फोल्ड करना, इस तरह से। इस तरह से हमें फोल्ड करना है और अपने जो न्यूज़पेपर को ओपन करना है। जिस तरह से हम पेपर एनवेलप बनाते हैं उस तरह से हमें बनाना है नीचे से। और ये देखिए, ये यहाँ पे इसका हाफ हो रहा है, इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे हम लोग, और सेम इसी तरह से हम इसको इस तरह से फोल्ड करके हल्का सा, अब इसको हम फेविकोल की मदद से पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं फेविकोल लगाकर इसको इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। सेम प्रोसेस हमें इस साइड करना है, ठीक है। फेविकोल लगा के हमें इसको हाफ फोल्ड करके पेस्ट कर लेना है। देखिए आप लोग, मैंने इसको फेविकोल से पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक कॉर्नर को, ये जहाँ तक ये दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ तक हमें फोल्ड करना है अपने पेपर को एक कॉर्नर से, ठीक है। इस तरह से हमें फोल्ड करना है। और सेम प्रोसेस हमें दूसरी साइड करना है, दूसरे कॉर्नर को भी हमें इसी तरह से पेस्ट करना है, को इसी तरह से फोल्ड करना है। हमने दोनों न्यूज़पेपर की दोनों साइड को फोल्ड किया, अब हमें क्या करना है, इसको हम खड़ा करेंगे और जो इसका साइड हमने फोल्ड किया था कॉर्नर, उसको ओपन करके हम लोग इस तरह से लाइन बना देंगे, जिससे कि हमारा जो फोल्ड है वो अच्छा आए। हमने जो कॉर्नर थे उसको फोल्ड किया तो ये कुछ इस शेप में आएगा हमारे पास, ठीक है। इस शेप में हमें मिलेगा। अब हमें क्या करना है, जो इसका बीच का पार्ट था उसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसको कुछ इस तरह से हमें मिलाना है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, ये ऐसे। सेम प्रोसेस हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है। इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है, अब हमारा पेपर बैग लगभग रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सीधे तरफ से बीच से क्या करना है, हम बीच से इसको दोनों कॉर्नर्स को हल्का सा फोल्ड करेंगे, जिससे कि हमें इसका मिडिल पार्ट मिल जाए। अब मिडिल में हमें क्या करना है, हमें पंचिंग लेनी है और इसको हम पंच करके इसमें होल बनाएंगे। देखिए हमने अपने पेपर बैग में होल कर लिए हैं। यहाँ मेरे पास पेपर बैग के नीट पड़ी थी तो उसको मैंने लगा लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पंचिंग से यहाँ पे छेद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रिबन लेना है और रिबन से हमें अपने पेपर बैग का जो है हैंगिंग बनाएंगे हम लोग। तो रिबन को हम इसके अंदर डालेंगे और इधर से हम इसको नॉट लगा लेंगे। हमने अपने पेपर बैग में जो है रिबन से उसकी हैंगिंग बना दी, आप लोग देख सकते हैं।
अब हमें क्या करना, अभी हम अपने रिबन को थोड़ा मजबूत करने के लिए कार्डबोर्ड लेंगे और कार्डबोर्ड को हम इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे दोनों तरफ, जिससे कि हमारा रिबन जो है और मजबूत हो जाए। सकते हैं यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड को लगा दिया है, तो जिससे कि हमारा पेपर बैग जो है काफी इससे मजबूत हो गया है। तो देखिए आप लोग, हमारा पेपर बैग एकदम बन के रेडी हो चुका है। तो बच्चों देखिए, हमारा पेपर बैग जो है वो बन के एकदम रेडी हो चुका है, और ये बहुत इजी है, आप लोग भी इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसमें फेविकोल का बॉक्स डाला है, इसको हम कैरी भी कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, काफी अच्छा भी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप आप लोगों को आज की क्राफ्ट वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस तरह के क्राफ्ट